उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बदायूं पहुंचे और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सीएम योगी आदित्यनाथ के बदायूं आगमन पर भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर इशारों ही इशारों में समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए अपने संबोधन को आगे बढ़ाया। शहर के इस्लामिया इंटर कॉलेज में सीएम योगी करीब 20 मिनट तक जनता से रूबरू रहे। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर द्वारा शाहजहांपुर के लिए रवाना हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता का अभिवादन कर अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा कि साल 2017 से पहले यहां के नेता युवाओं के हाथ में तमंचा थमाते थे और हमने युवाओं को टैबलेट देने का काम किया। शहर के इस्लामिया इंटर कॉलेज में अपने संबोधन को आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी को दंगे के नाम से नहीं बल्कि दीपोत्सव के आयोजन से जाना जाता है। यूपी के युवा हाथ में टैबलेट लेकर डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इस मौके पर सीएम ने भाजपा के तीनों विधायकों की भी तारीफ करते हुए कहा कि विधायक जिले के विकास के लिए धन मांगते हैं तो मुझे भी खुशी होती है। इतना ही नहीं, सीएम ने जनता से भाजपा के सभी 7 नगर पालिका प्रत्याशी एवं 14 नगर पंचायत प्रत्याशियों को जिताने की अपील करते हुए ट्रिपल इंजन की सरकार द्वारा बेहतर विकास का आश्वासन भी दिया। बदायूं से ओमवीर सिंह राठौड़ की रिपोर्ट।